इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उनकी पूरी आर्थिक मदद करनी चाहिए। और लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि वैसे बीजेपी का स्वभाव गलतियों को स्वीकार कर लेने वाला नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की इस प्रकार की घोर आपराधिक लापरवाही के लिए विभागीय मंत्री को बर्खास्त करने का मामला मैं मुख्यमंत्री के विवेक पर ही छोड़ देना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। इसके साथ ही पीड़ित परिवार वालों को न्याय दिलाने के प्रयास के तहत ही मैंने आज अपनी पार्टी की ओर से तो 3 लोगों का प्रतिनिधि मंडल वहाँ जहाँ पर ये मासूम बच्चों की डेथ हुई है उस स्थल पर वहाँ पर देखने के लिए भेजा हॉस्पिटल में, और जो 3 सदस्य मैंने भेजे हैं तो उसमें मैंने अपने स्टेट के प्रेसिडेंट को भेजा है, उत्तर प्रदेश के स्टेट के पार्टी के, और विधानसभा में हमारे बीएसपी का दल का जो नेता है उनको साथ में भेजा है, और उस क्षेत्र के हमारी पार्टी के जो प्रभारी हैं ये 3 जिम्मेवार लोगों को मैंने उधर भेजा है हॉस्पिटल में कि आप उधर जाओ और वहाँ पर पूरी स्थिति का जायजा लेकर मुझे सही तथ्यों से वो अवगत कराएंगे। और मैं समझती हूँ ये घटना बहुत ही दुखद है और इसके लिए मुख्यमंत्री को मेरे ख्याल जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें कोई इनको कोताही लापरवाही इनको बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। और बेहतर तो यही है, इतनी बड़ी घटना घटी है और 60 जो मासूम बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है उनकी माताओं